डाइकॉट में हाइपोडर्मिस हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस कोलेनकाइमेटस कैसी होती है कोलेनकाइमेटस और मोनोकॉट में हाइपोडर्मिस मोनोकॉट स्क्लेरेनकाइमेटस 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 और चाहे डाइकॉट स्टेम चाहे डाइकॉट प्लांट हो चाहे मोनोकॉट प्लांट हो दोनों का जो रूट होता है चाहे डाइकॉट रूट हो चाहे मोनोकॉट रूट हो उन सभी के रूट का जो हाइपोडर्मिस होता है वो कैसा होता है पेरेंटकाइमेटस कैसा होता है पेरेंटकाइमेटस यानी कि यहां पर जो आप हाइपोडर्मिस देख रहे हो इधर जो हाइपोडर्मिस देख रहे हो वो क्या है ये क्या है ये क्या है पेरेंटकाइमेटस कैसा है ये कौन से सेल से बना हुआ है पेरेंटकाइमेटस से बना हुआ है ठीक है क्लियर होगी बात उसी तरीके से आपने देखा कि डाइकॉट स्टेम में क्या था जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाया जा रहा था कैंबियम रिंग जब दो के बीच में कैंबियम रिंग है तो मामला ओपन हो जाएगा ना क्या कहेंगे कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन क्या बोलेंगे कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन और जब मोनोकॉट स्टेम में यहां पर कोई नहीं है बीच में जाइलम फ्लोएम के बीच में कोई नहीं है तो क्या रहेगा कॉन्जॉइंट क्लोज कोलेटरल क्या रहेगा कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज ये डाइकॉट रूट समझ में आया क्या रूट में क्यूटिकल एब्सेंट रहता है क्या क्यूट जो होता है क्यूटिकल जो होता है वो क्या होता है वैक्सी लेयर होता है क्या क्यूटीन होता है ये क्या होता है क्यूटीन क्यूटीन से बना होता है और रूट हेयर का जो एपिडर्मिस होता है वो